मैदपुर टोल बैरियर पर तैनात पुलिस कर्मी को ड्यूटी में कोताही के साथ नशे में धुत पाए जाने पर एसपी उन्ना दिवाकर शर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस कर्मी को मैदपुर टोल बैरियर पर सस्पेंड करने के बाद पुलिस लाइन झलेड़ा के लिए भेज दिया गया है। वहीं अधिकारी स्तर पर जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देर रात करीब 1:30 बजे एक महिला अधिकारी रेणुका बहल अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ से नगरोटा सूर्या की ओर जा रही थी। इस दौरान मैदपुर बैरियर पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल द्वारा उन्हें रोका गया। पुलिस कर्मी द्वारा इस महिला अधिकारी को लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया। बाकायदा महिला ने अपने पर्स से लाइसेंस निकालकर पुलिस कर्मी को देना चाहा, लेकिन इस दौरान इस पुलिस कर्मी ने महिला का पर्स ही छीन लिया और पर्स लेकर सड़क पर टहलने लगा। यही नहीं, जब महिला ने अपना पर्स पुलिस कर्मी से मांगा तो ये पुलिस कर्मी महिला से उल्टी सीधी बातें करने लगा, जिस पर तंग आकर महिला अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक उन्ना दिवाकर शर्मा को फोन कर दिया और घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्वयं पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा मैदपुर टोल बैरियर पर पहुंच गए और पीड़ित महिला और उसके परिवार से मिले। उन्होंने मौके पर देखा कि ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नशे में था, जिस पर पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने हेड कांस्टेबल को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ड्यूटी पे कोताही को लेकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुके हैं। इस घटना के बारे में डीएसपी उन्ना अशोक वर्मा ने कहा कि एसपी साहब उन्ना को रात को 1:30 बजे किसी महिला ने फोन किया कि पुलिस चौकी जो पुलिस बैरियर है वहाँ पे जो पुलिस का स्टाफ है उनसे मिसबिहेव कर रहा है। तो इस पे एसपी साहब ने पुलिस चौकी महतपुर को भी वहाँ आने को कहा और स्वयं भी अपनी गाड़ी लेके मौके पर पहुँचे। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो जो शिकायतकर्ता महिला थी उसने बताया कि वो जब उन्होंने प्रवेश किया तो प्रवेश के बाद उनकी गाड़ी को रोका इस मुख्य आरक्षी सुरजीत ने और उनसे दस्तावेजों की मांग की। उन्होंने दस्तावेज दिखाए, उसके बाद वो बदतमीजी करने लगा, जिस पे उस महिला ने उसके उस मिसकंडक्ट के ऊपर जो है एसपी साहब को फ़ोन किया। एसपी साहब ने मौके पर पूरी जांच करके सरसरी देख के उसका जो सुरजीत हेड कांस्टेबल है उसकी उस लापरवाही और शराब पीने के लिए जो है मेडिकल करा दिया है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उसको पुलिस लाइन झलेड़ा में भेज दिया है और उसकी जो है वो इंक्वायरी खोल दी है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मैदपुर से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट।